हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तान्या फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना बताऊंगी। ये मैंने 23 की लंबाई ली थी इसकी, इसमें मैं अस्तर भी लगा रही हूँ और बुकरम भी लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई चलानी है इस पर। बुकरम नीचे रखनी है, फिर अस्तल है, फिर ये पोशाक वाला कपड़ा है। ये मेरा कपड़ा निकल गया था तो मैं इसलिए दोबारा सिलाई लगा रही हूँ इसमें। अभी ऐसे पलटना है ये। इस तरीके से इसे पलटना है। अब इस पर मैं सिलाई चलाऊँगी। इस पर मैं लेस भी साथ ही लगा दूँगी इस पर। अब मैं इस तरीके से लेस, अब ये मेरी लेस लग चुकी है। अभी मैं एक और सिलाई लगाऊंगी इस पर इस तरीके से। एक लेस लग चुकी है, अब मैं दूसरी लेस लगाऊंगी बीच में थोड़ा सा गैप देके। साइड से भी मैं लेस लगा लूँगी। दोनों साइड पे लगाऊँगी। अब मैं ये चुन्नी डालूँगी ना, इसलिए पहले सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि अस्तल वाला कपड़ा नीचे दबे ना इसलिए। मैं प्लेट डालूंगी इसमें, छोटी छोटी प्लेट डालूंगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के। प्लेट के ऊपर प्लेट रखनी है ये पोशाक की। कितना सुंदर देखो घेरा बन के आ रहा है इस तरीके से। ये मैं प्लेट डलने वाली है सारी। देखो कितना प्यारा घेरा बन के आया है ये। अब इसकी मैं हम तनी लगाएंगे इसमें इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगानी है तनियों पे पहले। मैं लेस लगा रही हूँ। ये मेरी रेडी हो चुकी है तनी इसकी, मैं लगाऊंगी ये।
ये बराबर का निशान लगा लिया है मैंने, दोनों बराबर कर लिए थे। अब मैं इस तरीके से रख के, अब इस तरीके से मैं इसमें तनी जोड़ूंगी, इसमें रख के इसे जोड़ रही हूँ। ये इस तरीके से जोड़नी है, वीडियो पसंद आई होगी और मेरे लड्डू गोपाल जी की पोशाक पसंद आई होगी आपको। इस तरीके से छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाक बन जाती है, देखो कितनी प्यारी पोशाक बनी है ये, बहुत सिंपल तरीके से।